हेलो, मैं फरहीन वेलकम करती हूँ अपने चैनल जायकेदार में। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी दावतों वाला चिकन कोरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बनाने में बहुत ही सिंपल है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाते हैं दावतों वाला चिकन कोरमा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके 10 सेकंड लेना चाहूँगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। ऑल्सो प्लीज़ फॉलो अस ऑन ऑल आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। थैंक यू। हम इस कोरमे को घी और ऑयल के कॉम्बिनेशन में बनाएंगे। तो मैंने इधर लिया है 1 टेबल स्पून घी और ऐड करेंगे 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल। 15 से 20 लहसुन की कली ली हैं, जावत्री, बादियान फूल, 5 से 6 हरी इलायची, छोटा सा पीस जायफल का, 8 से 9 काली मिर्च और हरी मिर्च और 1 इंच का पीस अदरक का और 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर। इन सभी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। 15 से 20 काजू का भी हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। 3 मीडियम साइज अनियन को बारीक फाइनली चॉप करके गोल्डन फ्राई किया है, हम इसका भी पेस्ट बनाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हरी इलायची, 4 हरी इलायची ऐड की हैं, 2 बी लीफ, ये 2 चिकन हैं, इसे फ्राई कर लेंगे इसका कलर चेंज होने तक। बहुत ही अच्छी तरह हमारी चिकन फ्राई हो चुकी है। हमने जो अदरक लहसुन का जो मसाला, खुशबूदार मसाला ग्राइंड किया था, ये वो है, वो ऐड करेंगे इसमें और साथ ही साथ थोड़ा सा पानी भी, 2 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली, 1 टेबल स्पून हॉट रेड चिली, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून अभी ऐड किया है, 1/2 हम बाद में ऐड करेंगे। इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमने जो दाल बादियान फूल ये सब जो हमने पीसा है, उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है मसाले में। ये स्पेशल कोरमे में पीसा ही जाता है, तो आप इसे स्किप ना करें, ज़रूर पीसें और देखना आप कितना खुशबूदार कोरमा आपका बन के तैयार होगा। अब हम ऐड करेंगे काजू का पेस्ट और जो हमने प्याज को पीसा था, दरदरा पीसा था, वो भी ऐड करेंगे। देखिए इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। प्याज को पीसते वक्त आपको पानी बिल्कुल नहीं डालना है, सिर्फ उसे मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लेना है। अब इसमें ऐड करेंगे दही, 4 से 5 टेबलस्पून दही है, इसे अच्छे से फेंट लिया है, लंप फ्री कर लिया है। और जब दही डालें तो मेक श्योर करें कि आप उस टाइम पे फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, लो फ्लेम पे आप दही की मिक्सिंग करें, उसके बाद ही फ्लेम को हाई करें। अब इसे 10 मिनट लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी चिकन भी बहुत ही अच्छी तरह गल चुकी है। अब हम इसकी भुनाई स्टार्ट करते हैं। देखिए मसाला भी काफ़ी अच्छी तरह भुनने पर आने लगा है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। इस टाइम पे हम फ्लेम को कर देंगे हाई फ्लेम पे हम इसके भुनेंगे अच्छे से, जब तक हमारा मसाला दानेदार हो जाए और ऑयल बहुत ही अच्छी तरह सेपरेट हो जाए। हमें जब तक इसे भुनना है, जो बचा हुआ गरम मसाला था वो भी ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और केवड़ा वाटर बिल्कुल अब ये फाइनल स्टेज पे आ चुका है, उसी टाइम पे हमें इसमें ऐड करना है ये, इससे बहुत ही एक्स्ट्रा फ्लेवर आता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इसे डाल के हम थोड़ा सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं। देखिए बहुत अच्छी तरह भून गया है मसाला, खुशबूदार कोरमा बन चुका है हमारा। अब इसमें ऐड करेंगे वाटर, 2 कप वाटर ऐड किया इधर मैंने। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन इसकी थोड़ी सी देखिए इस तरीके से होती है, ज़्यादा लिक्विड नहीं होती है और ज़्यादा थिक भी नहीं होती है। और लो फ्लेम पे बॉईल आने देंगे। बॉईल आ चुका है, हमारा खुशबूदार कोरमा बनके तैयार है। अब हम इसे कर लेंगे सर्व। बहुत ही लजीज और खुशबूदार हमारा दावत वाला चिकन कोरमा बनके तैयार हुआ है। इसे गार्निश करें जुलियन कट अदरक के साथ, लाइम के साथ सर्व करें और नान और रोटी के साथ एंजॉय करें। जल्दी से इस रेसिपी को बनाएं और मुझे बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे नए वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। बाय।